धार पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साइबर क्राइम और थाना नौगांव पुलिस की मदद से संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर साइबर सेल के प्रभारी भैरू सिंह देवड़ा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम लबरावरदा में यहाँ पर शिव मंदिर के सामने मुख्य चौराहे पर पिकअप वाहन में से बियर भरकर अवैध रूप से निकलने वाली है, जिसके बाद में पिकअप के आगे और पीछे सहयोग करने वाले एक सफ़ेद कलर की कार और एक स्प्लेंडर बिना नंबर का पायलट फॉलो कर रहा है। मुखबिर के बताए जगह पर यहां पर रेकी की गई और उसके बाद में एक टीम का गठन किया गया, 3 थाना की पुलिस लगाई गई। इसके बाद में यहाँ पर 5 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। टीम के द्वारा बुलेरो पिकअप वाहन को चेक करते हुए उसमें कई बियर की बोतल जब्त की गई है। कुल जब्त कीमत 9,36,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। लाइसेंस मांगने पर यह लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए। सभी पर 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल नेट नाइट मुखबिर की सूचना पर थाना नौगांव और साइबर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब 300 पेट की लेमिनाइट प्रीमियम की बियर की थी, मूल्य करीबन 9,36,000 रुपये है। इसमें एक वाहन शराब थी और एक फॉलो और पायलट करते हुए टोटल 3 वाहन हैं, जिसमें 2 फोर व्हीलर और 1 टू व्हीलर है। इसमें कुल मसूका हमारा लगभग 32 लाख का है और आरोपी कुल 5 है, जिसमें मुख्य आरोपी लल्ला और विवेक और रणवीर की है। इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि सोर्स कहाँ से था, कहाँ ले जा रहे हैं। पूरी कार्रवाई में साइबर टीम और नौगांव टीम का बहुत बढ़िया काम, सराहनीय प्रशंसा की मांग। अभी तक की जानकारी में शराब कहाँ से ला रहे थे? पूछताछ जारी है अभी। रविंद्र वास्तव।